सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ मूवी यू वॉच्ड रिसेंटली। कोई मूवी जो आपने अभी अभी देखी है, और अब आप यहाँ पे किसी भी मूवी के बारे में बोल सकते हो, चाहे वो 10 साल पहले आई हो बट आपने अभी अभी देखी है। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन ऐड कर देंगे, वो हमने ऐड की है। देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। तो क्यूज इसकी हैं, व्हेन एंड वेयर यू वॉच्ड इट, कब और कहाँ देखी, हु यू वॉच्ड इट विद, किसके साथ देखी, वट इट वॉज अबाउट, ये मूवी किस चीज़ के बारे में, एंड एक्सप्लेन वाई यू वॉच दिस मूवी, और एक्सप्लेन करो आपने क्यों देखी ये मूवी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है फ्रेंच की, आइल्स की, पीटीई की। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। बींग अ मूवी बफ, मूवी बफ का मीनिंग होता है जो काफ़ी मूवी वगैरह देखने का शौकीन होता है। आई हैव वॉच सो मैनी मूवीज़, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं एक मूवी बफ होने के नाते। ऑल दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून, चाहे कभी कभी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बट ज़्यादातर बार मैं काफ़ी खुश था। However, here I would like to talk about a movie that I watched recently and that is none other than Bhaag, Milkha Bhaag। तो मिल्का मिल्का गलती से डल गया, एच मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो जो मैंने मूवी देखी है उसका नाम है बाघ मिल्खा बाघ। द स्टोरी लाइन ऑफ दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सरदार मिल्खा सिंह। तो ये जो स्टोरी लाइन है इस मूवी की वो मिल्खा सिंह की लाइफ के ऊपर है। अ पुअर बॉय हु गॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि एक गरीब लड़का था और जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब वो बंदा बच्चा जो था अलग हो गया था। आई विविडली रिमेंबर अराउंड 2 वीक्स अगो माई फ्रेंड जसकीर्त एंड आई डिसाइडेड टू वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स विच इज़ एन OTT प्लेटफॉर्म। तो मुझे अच्छी तरह से याद है अराउंड 2 हफ्ते पहले मैंने ये मूवी मेरे फ्रेंड के साथ देखी। तो अपनी क्यू थी ना, कब देखी, कहाँ पे देखी, तो हमने कहाँ पे देखी, नेटफ्लिक्स पे देखी। ठीक है, आई केम टू नो दैट दिस मूवी इज़ मोटिवेशनल, मुझे पता चला कि ये मूवी तो काफ़ी मोटिवेशनल है। इवन दो दिस मूवी वॉज रिलीज्ड अराउंड 7-8 ईयर्स अगो बट आई वॉच्ड इट रिसेंटली, हालांकि ये मूवी 7-8 साल पहले रिलीज हुई थी बट मैंने इसको अभी अभी देखा है। इफ़ आई ब्रीफली टॉक अबाउट दिस मूवी, तो उसमें एक क्यों है कि आप इस मूवी की मतलब क्या है इस मूवी में। इफ़ आई ब्रीफली टॉक अबाउट दिस मूवी, इट डिस्क्राइब्स मिल्खा सिंह लाइफ When and where he was born and raised, कब और कहाँ उसका जन्म हुआ उसकी लाइफ के बारे में बताती है। He was born in Pakistan but raised in India, उसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था बट वो सेपरेशन की वजह से वो इंडिया आ गया था और इंडिया में वो पला बढ़ा। When he came in his 16, जब वो 16 साल का हुआ, he had to go behind the bars, उसको behind की बार होता सलाखों के पीछे, मतलब जेल में जाना पड़ा उसको ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो वो तब वो क्या है, सेपरेशन का टाइम चल रहा था, उसने कुछ लॉ वगैरह ब्रेक कर दिए थे। आफ्टर गेटिंग बेल फ्रॉम जेल ही वाज सम हाउ रिक्रूटेड एज अ सोल्जर इन इंडियन आर्मी, तो जब उसको बेल मिली किसी तरह से वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। वेयर ही स्पेंट अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हिज लाइफ, जिधर उसने अपनी लाइफ का एक लंबा अरसा बिताया। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक वेयर ही गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड ही बिकेम एन एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जिसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और एक एमिनेंट होता है फेमस बंदा बन गया, फेमस पर्सनैलिटी बन गया। When it comes to the question of what I felt about this, to be honest, I have nothing bad to say about this. जब इस सवाल की बात आती है कि मैं क्या महसूस करता हूँ इसके बारे में या इस मूवी के बारे में, तो मेरे पास कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। Even I can say this movie tells that never leave hope, especially when you are at the end of your rope. तो एंड ऑफ योर रोप यहाँ पे एक idiom है, इसका मीनिंग होता है कि जब आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं राम की एग्जांपल दे देता हूँ। राम, यू शुड नेवर लीव द होप बिकॉज यू आर नाउ एट द एंड ऑफ योर रोप, कि तू अब अपनी मंजिल के बहुत करीब है, तुम्हें होप नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ऑल इन ऑल दिस इज़ अ मूवी दैट आई स्ट्रांगली फेल्ट अबाउट, या फिर ऑल इन ऑल दिस इज अ मूवी दैट आई रिसेंटली वॉच्ड। ठीक है, तो मूवी के बारे में जितने भी क्यू कार्ड हैं आप उनको इस क्यू कार्ड के साथ रिलेट कर सकते हो, जंबो क्यू कार्ड आपका बन जाएगा।
मिलता हूँ नेक्स्ट क्यू कार्ड में। आप क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस PDF को बाय कर सकते हो, इसमें फॉलोअप्स वगैरह सब कुछ मैंने बना रखा है, तो आप बाय कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू।